हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्टी भी बनता है, सभी को पसंद आने वाला नाश्ता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, यानी कि मक्की का आटा, हरी मिर्च, हरा धनिया सभी मैंने बारीक कट करके डाल दिया है और कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है। आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं और काला नमक भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है और मैदे का घोल तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। और जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है उसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर टिक्की बना कर रख लेते हैं। आप इसके रोल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से एक एक उठाकर मैदे के घोल में डिप कर लें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी टिक्कियाँ ब्रेड क्रम्स में कोट करके साइड में रख लेते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही तैयार किया है, तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें एक एक करके डाल देते हैं। इस तरीके से इसे फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे, तेल ज़्यादा उबला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सारा नाश्ता हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा जला जला सा हो जाएगा। तो इसलिए तेल को ज़्यादा नहीं उबालना है। इस तरीके से सारे नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं, सभी टिक्कियों को। ये देखिए कितना सुंदर कलर है, ये नाश्ता बनके रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा कलर है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और इसे कभी भी बना सकते हैं। बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं, मानसून में भी बना सकते हैं, जब जी चाहे इसे बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, सभी को पसंद आने वाला है। तो गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। गुड बाय।